नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके सामने चंद्रकांत देवताले जी की दो प्रेम कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। चंद्रकांत देवताले की कविताएं कोई किशोर भावनात्मक भावुकतापूर्ण प्रेम कविताएं नहीं हैं, बल्कि वो एक गहरे बैठी हुई समझदारी और दाम्पत्य प्रेम की कविताएं हैं। तो आज उनकी दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहली कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है मैं आता रहूंगा तुम्हारे लिए। कविता इस प्रकार है, मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरों को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरे को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। कुछ तो है तुम्हारे भीतर जिससे अपने बियाबान सन्नाटे को तुम सितार सा बजा लेती हो समुद्र की छाती में। अपने असंभव आकाश में तुम आज़ाद चिड़िया की तरह खेल रही हो उसकी आवाज़ की परछाई के साथ जो लगभग गूंगा है। और मैं कविता के बंदरगाह पर खड़ा आंखें खोल रहा हूं गहरी धुंध में। लगता है काल्पनिक खुशी का भी अंत हो चुका है। पता नहीं कहां किस चट्टान पर बैठी तुम फूलों को नोच रही हो। मैं यहां दुख की सूखी आंखों पर पानी के छींटे मार रहा हूं। हमारे बीच तितलियों का अभेद्य पर्दा है शायद। जो भी हो मैं आता रहूंगा उजली रातों में, चंद्रमा को गिटार सा बजाऊंगा तुम्हारे लिए, और वसंत के पूरे समय वसंत को रुई की तरह धुनकता रहूंगा तुम्हारे लिए। दूसरी कविता का शीर्षक है तुम वहां भी होगी। अगर मुझे औरतों के बारे में कुछ पूछना हो तो मैं तुम्हें ही चुनूंगा तहकीकात के लिए। अगर मुझे औरतों के बारे में कुछ पूछना हो तो मैं तुम्हें ही चुनूंगा तहकीकात के लिए। यदि मुझे औरतों के बारे में कुछ कहना हो तो मैं तुम्हें ही पाऊंगा अपने भीतर, जिसे कहता रहूंगा बाहर शब्दों में जो अपर्याप्त साबित होंगे हमेशा। यदि मुझे किसी औरत का कत्ल करने की सजा दी जाएगी, तो तुम ही होगी यह सजा देने वाली, और मैं खुद की गर्दन काट कर रख दूंगा तुम्हारे सामने। लाइन देखिए, यदि मुझे किसी औरत का कत्ल करने की सजा दी जाएगी तो तुम ही होगी सजा देने वाली, और मैं खुद की गर्दन काट कर रख दूंगा तुम्हारे सामने। और यह भी मुमकिन है कि मुझे खंदक या खाई में कूदने को कहा जाए मरने के लिए, तब तुम ही होंगी जिसमें कूद कर निकल जाऊंगा सुरक्षित दूसरी दुनिया में, और तुम वहां भी होंगी हंसते हुए मुझे क्षमा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।